Silence. Rolling. गोविंदा और नीलम 80 के दशक की मनपसंद जोड़ी थी। ये जोड़ी पहली बार दिखाई दी फिल्म इल्जाम में। फिर उन्होंने एक के बाद एक हिट फिल्में दी, जैसे कि लव 86, खुदगर्ज और हत्या। इसी दौर में ये जोड़ी असल जिंदगी में भी बेहद करीब थी। कॉम्पैक्ट रखे हैं। अपने करियर की शुरुआत से बस कुछ ही वर्षों बाद अमृता सिंह ने इस फिल्म में शत्रुघ्न सिन्हा की बीवी और नीलम की मां का किरदार निभाया। दिलचस्प बात यह है कि आगे चलकर नीलम ने अमृता के पति सैफ अली खान की प्रेमिका का किरदार निभाया परंपरा फिल्म में, और बहन के रूप में दिखी हम साथ साथ हैं। शत्रुघ्न सिन्हा की बीवी और नीलम की मां का किरदार निभाया। दिलचस्प बात यह है कि आगे चलकर नीलम ने अमृता के पति सैफ अली खान की प्रेमिका का किरदार निभाया परंपरा फिल्म में, और बहन के रूप में दिखी हम साथ साथ हैं। तो ये थी हमारी आज की मजेदार पेशकश कुकर्स। एक्शन। भानुप्रिया साउथ की बहुत मशहूर अभिनेत्री रही। 80 के दशक में उन्होंने बॉलीवुड में अपनी अदाकारी के जौहर दिखाए। जितेंद्र के साथ उन्होंने कई फिल्मों में काम किया। बहुत ही नॉइजी स्टूडियो है। साइलेंस। तो ये थी हमारी आज की मजेदार पेशकश खुदगर्ज। हम जल्दी वापस आएंगे एक नई फिल्म और एक्स्ट्रा शॉट्स की एक नई कड़ी के साथ। तब तक के लिए सॉरी कड़ी, ये फ्रेम ठीक नहीं लग रहा कुछ। रोलिंग। तो ये थी हमारी आज की मजेदार पेशकश खुदगर्ज। हम जल्दी वापस आएंगे एक नई फिल्म। तो ये थी हमारी आज की मजेदार पेशकश खुदगर्ज। हम जल्दी वापस आएंगे एक नई फिल्म और एक्स्ट्रा शॉट्स की एक नई कड़ी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। उसमें क्या है कि वो शी वॉज वेरी फेमस फॉर दैट सॉन्ग। आपके आ जाने। आइए इस फिल्म से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें जानते हैं फिल्म के निर्माता निर्देशक राकेश रोशन से। अभी इस फिल्म के बारे में, उनके रोल के बारे में आइए बात करते हैं शत्रुघ्न सिन्हा से। चलो